परशुराम जी ने ऐसा क्या काम किया था जिसके वजह से आज भी बहुजन समाज उन्हें याद करता है? मान्यवर काशीराम साहब पंजाब से चल करके महाराष्ट्र पूना से चल करके और कोने कोने दलित मूवमेंट को चलाया। दलित मूवमेंट्स में सभी 85% के लोगों को उन्होंने तैयार किया, साइकिल से, दो पहिए के पैरों से और साइकिल से पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने दौड़ा किया और कोने कोने से सभी को भर केवट कुहार लोहार कहार नाई धोबी धरकार सभी को महिलाओं को सबको तैयार करके और एक माला में पुरो दिया। उन्होंने मानवर काशीराम साहब इतने शक्तिशाली थे कि किसी को मतलब वो गुलामी बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे और उन्होंने इतने लोगों को तैयार किया कि आप लोग गुलामों की तरह मत जियो बल्कि सम्मान से जियो। काशीराम साहब सम्मान पैदा किया और उन्होंने सभी को, ये नहीं कि मुसलमान को, दलित को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक को, मोरालिटी को, सभी को, लोगों को उन्होंने घर घर जा करके तैयार किया, गली मोहल्ले में तैयार करके उन्होंने यहाँ तक के तैयार किया कि जो 55 साल की कांग्रेस सरकार थी, नेहरू सरकार, इंदिरा सरकार, राजू सरकार, मनमोहन सरकार को जमीन पर ला दिया तैयार करके। उन्होंने यही नहीं, यूपी में सरकार बनवाया और सरकार बनवा करके गरीबों को पट्टा जमीन, बहन मायावती जी ने मुख्यमंत्री बनी और पट्टा जमीन दिया लोगों को, सम्मान की जिंदगी जीने को तैयार किया मानवर काशीराम साहब ने। आज बहन जी साहब को जाने के 13वां वर्ष हो गया, उनका पुण्यतिथि 13वां साल हो गया। मानवर काशीराम साहब की याद आज सभी दलित, सभी पिछड़े, अल्पसंख्यक के दिलों में है और इसलिए आज उनके इस 12 नंबर पर आकर के मानवर काशीराम साहब को सब लोग, काशीराम साहब कहते थे कि मुझे फूल माला मत चढ़ाओ, मुझे फूल माला मत चढ़ाओ, लेकिन तुम लोग गुलामी से दूर होकर के अपनी सरकार बनाओ, बहुजनों की सरकार बनाओ और बहुजनों की सरकार चलाओ। आज मनुवादी की सरकार है और वो चाहते हैं कि बहुजन सत्ता में ना आए। बहन जी रातों दिन प्रेरणा दे करके, बहन जी अपनी 64 साल की उम्र में आज भी रातों दिन लगी हुई हैं, हर पल उनका बहुजन समाज को तैयार, उनका परिवार बहुजन समाज को परिवार बना कर बहन जी आज प्रेरणा कर रही हैं, आज उन्होंने तैयार कर रही हैं, आज हर जगह अगर मोदी के टक्कर दे रही हैं तो बहन जी दे रही हैं, बहुजन समाज दे रहा, बहुजन समाज बहन जी के नेत्र में, बहन जी को नेत्र में रातों दिन तैयार होकर के गली मोहल्ला में तैयार होकर तैयार कर रहा है। बहन जी का मोमेंट, मानवर काशीराम साहब का मोमेंट, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का मोमेंट और महात्मा राव फुले का मोमेंट को चला रही हैं। बहन जी हमारे लोग आज से नहीं, हमेशा संघर्ष करते चले आ रहे हैं, आने वाले समय में बहुजन समाज की सरकार बनेगी। अभी ये समय जा रहा है, आने वाले चुनाव में बहुजन समाज बड़ी ताकत से आएगा और घर घर जाकर के बहन जी तैयार कर रही हैं। बहन जी का, बहन जी आज भी यही कह रही हैं कि आप लोग, बहन जी ने किसी, लोग कहते हैं कि बहन जी पैसा लेती हैं, ये कहने वाले कौन हैं? ये मनुवादी व्यवस्था के लोग जो आते हैं इधर जब आते हैं और जब वो जीत जाते हैं तो भागने लगते हैं, तो बहन जी कहती है भाई तू कुछ दे जाओ, इधर आए हो तो कुछ इन बहुजन समाज के लोगों को दे जाओ, उनसे चुनाव लड़ाएं, कुछ गरीबों को चुनाव लड़ाएं। इसलिए बहन जी के लोग बदनाम करते हैं और ये लोग कौन लोग बदनाम करते हैं? जो लोग पिछलगुआ होते हैं, जो लोग सम्मान की जिंदगी नहीं जीते हैं। बहन जी तो सम्मान की जिंदगी तैयार कर रही हैं, मान्यवर काशीराम साहब सम्मान की जिंदगी तैयार करके किया है। आज यहाँ जहाँ खड़े हैं, यहाँ पर किसी समय में 5 लोग इकट्ठा होते थे, मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि 85 के लोग यहाँ इकट्ठा हो और 85 का इकट्ठा करके इन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया कि मान्यवर काशीराम साहब को आज क्या पल पल लोग याद करेंगे, आने वाले टाइम में भी याद करेंगे। जहाँ आपने नाम सुना होगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उस समय दलितों की लड़ाई लड़े थे, संविधान बनाए थे। आज जो बच्चा पैदा होगा वो भी बाबा साहब का नाम लेगा और नहीं तो जगजीवन राम का नाम नहीं लेगा। ये मीरा कुमार खत्म हो जाए तो जगजीवन राम का नहीं हो, जगजीवन राम हमेशा चमचागिरी किए कांग्रेस का, हमेशा कांग्रेस की चमचागिरी किए लेकिन वो कभी समाज का काम नहीं किए। लेकिन मानवर काशीराम साहब, बाबा साहब, बहन कुमारी मायावती जी ये समाज का काम कर रही है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की काम कर रही है। आज मुसलमान
रात दिन क्यों कुकर रहा है? क्योंकि ये लोग मुसलमान को भी परेशान कर रहे हैं, दलितों को परेशान कर रहे हैं, महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, इसलिए बहन जी इसकी लड़ाई लड़ रही है। बहन कुमारी मायावती जी रात दिन होकर के संघर्ष कर रही है। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।